हर फ्राइडे रिलीज होने वाली फिल्म चलेगी ये शायद बताने में हम थोड़ा चूक जाएं, लेकिन कौन सी पिटेगी ये हम बहुत पहले से बता सकते हैं। पाकिस्तानी टैलेंट शहजादा, जो कि सिर्फ इस फिल्म का जब से अनाउंसमेंट आया था ना, तब से ही लोगों ने साथ साथ ही बड़े बड़े अल्फाज में बोल दिया था कि ये फिल्म बहुत बुरी तरह पिटेगी। एक तो उस टाइम अल्लू अर्जुन का जादू बहुत अच्छा चला था नॉर्थ ऑडियंस के ऊपर पुष्पा की वजह से, इसीलिए तो अनाउंस हुआ कि कार्तिक आर्यन उनकी मूवी का रिमेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओरिजिनल फिल्म की रिलीज को रोका जा रहा है, तो लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। आज फाइनली शहजादा पहुंच चुकी है थिएटर तक और थोड़ा सा अंदाजा था कि फिल्म की एडवांस बुकिंग कछुए की तरह है, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मुझे तो फिल्म पसंद आई है। कहानी कुछ नए टाइप की नहीं है, एकदम साफ बता देता हूँ मैं आपको, 90s की हिंदी फिल्में जो होती हैं, पुरानी जो होती है जिसके कॉमेडी वगैरह, बचपन में बच्चों की अदला बदली हो जाती है और बड़ा होकर गलत वाला बच्चा फाइनली अपने असली माँ बाप को सही वाले घर में पहुंच जाता है, हैप्पी एंडिंग। लेकिन कहानी की वजह से ये फिल्म आपको देखनी नहीं है, थिएटर जाने का रीजन कुछ और ही है जिसको शायद आप ना नहीं बोल पाओगे। कार्तिक आर्यन बंदे ने हर तरीके से पूरा जोर लगा दिया फिल्म के अंदर, क्या परफॉर्मेंस दिया यार, बिल्कुल अपने कंधे के ऊपर बिठाकर फिल्म को घुमाया। ओवर एक्टिंग मत बोलना, ये कैरेक्टर होते ही ऐसे ही हैं, थोड़ा लाउड टाइप के, जैसे गोविंदा सर की नंबर वन सीरीज की जो मूवी थी पुराने वक्तों की, तो वहां जरूरत पड़ती थी कि हर डायलॉग को अलग तरीके से बोलने की, तो ओवर एक्टिंग नहीं होती वो। वन मैन शो, ये डायलॉग आपने काफी बार सुना होगा। शहजादा में कार्तिक को काम करते हुए देखना, अकेले अपने दम पर फिल्म की इज्जत बचाई इन्होंने। जब फ्रेडी आई थी तो हर कोई बोल रहा था कि कार्तिक तो लवर बॉय, कैरेक्टर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब एक्चुअली मैं फिल्म को देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि कार्तिक ने एकदम से मौके पे चौका नहीं सीधा छक्का मार दिया अपनी एक्टिंग से। अब शहजादा में वापसी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक्शंस इस तरह के मासी टाइप का कैरेक्टर जो होते हैं अल्लू अर्जुन जैसा ही अच्छा कर सकते हैं, पुल अप कर सकते हैं, बॉलीवुड के बस के बाहर है ये सब। बट लिटरली कार्तिक ने सबको सरप्राइज कर दिया है, एक तो कॉमेडी टाइमिंग जबरदस्त है उनकी और ऊपर से इमोशंस को उन्होंने अपने डायलॉग में फिट किया है और बहुत अच्छा एक्टिंग किया है इन्होंने, ऑलराउंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की इन्होंने। एक और बात बताऊं मैं आपको, ये वाली फिल्म जो है ओरिजिनल फिल्म की सेम टू सेम कॉपी नहीं है, काफी सारी चेंजेस किए गए हैं, लेकिन मसला ये है कि सब्जेक्ट एकदम आउटडेटेड टाइप का, गोविंदा सर के टाइम वाला, फैमिली मूवी तो है ये, ऊपर से छोटी मोटी गड़बड़ तो है ही काफी सारी, जैसे कि फिल्म के अंदर इतने सारे गाने डाले हुए जो कि कहानी को पॉज कर देते हैं, ये सिर्फ आज के टाइम में पब्लिक को दूर कर देता है। फिर बस कहानी का प्रेडिक्टेबल हो जाना इस तरीके से, मतलब कहानी का इस तरीके से हो जाना कि पहले से ही जान लो आपके याला सिंह कैसे आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इससे फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। देखो भाई, शहजादा बॉक्स ऑफिस पे स्ट्रगल करेगी पक्की बात है, जिससे मैं और आप इनकार नहीं कर सकते। एक बात और बता दूं मैं आपको कि इस फिल्म का कृति सेनन और कार्तिक आर्यन का ज्यादा असर नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों ने ही अपने कैरेक्टर्स को पूरी ईमानदारी से प्ले किया है और शिकायत नहीं कर सकते आप, उनकी एक्टिंग ऐसी है जैसे कि फिल्म को जरूरत है। तो भाई मेरी तरफ से शहजादा को तो 5 में से 2 स्टार्स, पहला स्टार्स एंटरटेनमेंट रखने के लिए, और कहीं पे भी आप बोर नहीं होंगे क्योंकि कहानियां प्रेडिक्टेबल है तो एंड तक मजा आएगा। जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दूसरा स्टार तो कार्तिक आर्यन फिल्म में इतने एफर्ट्स डाले हैं कि आप देखिएगा बहुत खुश हो जाएंगे फिल्म देख के। इस तरीके से जो गाने जो हैं लंबा बनाते हैं फिल्म के अंदर, इन गानों की जरूरत होती नहीं है, बहुत लंबे गाने जो बनाते हैं, और फैसला अब आपके हाथ में है। अगर आपको कोई वीडियो में कोई शिकायत हो या मसला हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा।